आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। गुजरात चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ठोस रणनीति बना रही है। इसी के तहत कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। सीनियर ऑब्जर्वर बनने के बाद अशोक गहलोत पहली बार 20 जुलाई को अहमदाबाद जाकर महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। इस बैठक में गुजरात कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, विधायक और सीनियर नेता हिस्सा लेंगे। गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया है। गुजरात में पिछले 30 साल से भाजपा सत्ता में है। 1995 के बाद से कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत के हाथ में थी। गहलोत ने केंद्रीय नेताओं के साथ गुजरात में खूब प्रचार प्रसार किया और भाजपा को 99 सीटों पर ही रोक दिया। इससे पहले कुल 182 सीटों से भाजपा का 116 सीटों पर कब्जा था। इतना ही नहीं, गहलोत ने कांग्रेस को बढ़त दिलाते हुए 77 सीटों पर जीत दिलाई थी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गुजरात में चुनावी हलचल तेज हो गई। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दौरे किए थे। निकाय चुनावों में आप पार्टी ने कई वार्डों में जीत हासिल करते हुए भाजपा को टक्कर दी थी। अब कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की रणनीति के अनुसार कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।